नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मरुधरा न्यूज। बात करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। विपक्षी एकता बैठक 17-18 जुलाई को, 8 नई पार्टियां जुड़ी। सोनिया गांधी एक दिन पहले डिनर होस्ट करेंगी। केजरीवाल को भी भेजा गया न्योता। अमित शाह से मिले अजीत पवार। प्रफुल्ल पटेल बोले, केंद्र में मंत्री पद नहीं मांगा, महाराष्ट्र में जल्द होगा मंत्रालय का बंटवारा। विधायक खंडेला के बयान पर आक्रोश। भाजपा व आम आदमी पार्टी ने पुतला जलाकर विरोध जताया, कहा विधायक का ऐसा बयान शोभा नहीं देता। भारतीय सेना चौथी सबसे ताकतवर। भारत के पास 3,311 तोपे, अमेरिका और चीन हमसे पीछे, टैंक लगभग बराबर। हेलीकॉप्टर से गिराकर हुई चंद्रयान 3 के लैंडर की टेस्टिंग, हर तरफ से सोलर पैनल लगाए, पहिए मजबूत किए, चंद्रयान 2 की गलतियों को सुधारा। मोदी सरनेम केस में राहुल से पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंचे पुणेश मोदी, कहा मुझे भी सुना जाए। गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल की सजा बरकरार रखी थी। इंडियन मुजाहिदीन के 4 आतंकियों को 10 साल की सजा। भारत के खिलाफ साजिश रचने के दोषी NIA ने 2012 में केस दर्ज किया था। बंगाल पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट का ऑर्डर। अदालत ने कहा अंतिम नतीजे हमारे आदेश पर निर्भर होंगे, चुनाव आयोग से भी मांगा जवाब। उदयपुर दुनिया का दूसरा सबसे पसंदीदा शहर, फेवरेट सिटी इन द वर्ल्ड की लिस्ट में जयपुर को नहीं मिली जगह, पिछले साल था 8वें स्थान पर। घग्गर नदी उफान पर, राजस्थान में बाढ़ का खतरा। श्री गंगानगर की तरफ छोड़ा सारा पानी, निचले इलाकों को खाली करने का आदेश। पायलट बोले, मेरे तीनों मुद्दों पर पार्टी सरकार में सहमति। पेपर लीक में कोई कितना बड़ा हो, नए कानून से उस तक सरकार के हाथ पहुंचेंगे।